अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैंने आटा गूंद लिया है, सुबह हमारी फजर से पहले ही हो गई थी और हम बहुत सारा काम कर रहे थे। काम हम क्या कर रहे थे, हमने आप देख सकते हैं आज धोबी घाट लगाया हुआ था, हमने अपने कपड़े वॉश कर लिए। इब्राहिम सो रहा है और इब्राहिम ये रहा, इसको कह रही हूँ आज जुम्मा जाके पानी ले आओ नहाने का। हाँ क्या हुआ आपको, तबीयत सही नहीं है, चेहरा दिखा दो। हाय, तो भाई कंटेंट है आज हमारे पास इतना प्यारा सा, और कंटेंट हमारे पास ये कुछ है कि आज हम लोग कहाँ फंस गए फातिमा, हम घर में कैसे फंस गए। हमारी मिनसा आपको बताने जा रही है, देखिए ये देखें, ये हमारा गेट है मेन, और आप ये देखें हमारे घर के बाहर ये क्या हो गया। ओह माय गॉड, अब हम कहीं जा भी नहीं सकते। आप दिखाओ, ये देखें आप देख सकते हैं हमारे घर के बाहर ये सारा कुछ बन रहा है, और यहाँ पे आगे तक ये देखें आप, और हम अपने घर में फंस चुके हैं, कैद हो चुके हैं। अब हम क्या करें, अब हमें पानी भी मंगवाना है और सब्जी भी लेने जाना है, खाना भी बनाना है, अब हम घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। अब देखिए क्या होता है, कोई तो रास्ता हो निकलने का। हम तेरे बाहर भी नहीं जा सकते। हाँ फातिमा को बंद कर देते, हम अपना दरवाज़ा बंद करते हैं। तार आ रहा है, दरवाज़ा कैसे बंद होगा, ऐसे बंद कर दिया हमने। और अब हम किचन में जाते हैं, अपना नाश्ता बनाते हैं, कुछ खाते हैं क्योंकि भूख शरीर बन लगी है। पराठे बना के अपनी गुड़िया को देते हैं। हाँ गुड़िया खाना खाना, भूख लगी है। तो बस भाई हम अपनी गुड़िया के लिए मज़ेदार सा पराठा बनते बनाते हैं, वैसे मिलते हैं। 2000 years later. इसका कद दिन पर दिन छोटा होता जा रहा है। आप लोगों को अगर है कोई ये भी एक दर्द भरी कहानी है जो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। वही मैं बोल रहा हूँ, कम हो गया ना, हो गया अहमद, ये टेंशन से इसने अपने इतनी टेंशन ली है, इब्राहिम इसने इतनी टेंशन ली, इसका कद कम हो गया। यार ये मोइन 5-4 कैसे हो गई, अब झूठे इंसान फिर तुम खा सब झूठे है, मत सच्चा। इधर आओ तुम, जरा खड़े हो इधर, माशाल्लाह। यार बस नाप नाप के क्या करोगे तुम भैया, वही ना नाप नाप के करोगे क्या है, मत तुम यार, तुम मेरी हाइट छोटी हो गई, यहां पर जिम ज्वाइन करें। अहमद तो इब्राहिम तुमसे लग भी रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सीधे खड़े हो जाओ, टेंशन अभी आप देखें कद अपना सेशन कर ले, फिर उसके बाद मेरे को काम क्या देती हूँ। आगे से इसने देखा, अभी अब पीछे से कर रहा है, इसको यकीन नहीं हो रहा कि इब्राहिम 5'8" हुई हुई लग गया। नहीं है यार ये अम्मा छोटा हो गया, इसका कद छोटा हो गया है। ये दोनों भाई जो है ना, बोल रहा हूँ जब छोटा हो गया कद, कद छोटा हो गया टेंशन से। सीधे हो जाओ तुम, और कितने सीधे हो जाओ, माशा जल्दी से डस्टबिन उठाओ इब्राहिम, इब्राहिम डस्टबिन उठा लो, इब्राहिम इब्राहिम मैं तुम्हें यार तुम नफसियाती हो गए, जाओ जाके सो जाओ। कम हेयर इब्राहिम, इधर आओ इब्राहिम, इधर आओ यार, ये मेरे बच्चे क्या अहमद क्या हो भाई। गाइस आप मशवरा दे, इसका कद हो गया है नीचे, आप ये देखें इतना था, ये निशान लगा हुआ है यार, कितना हो गया, ये यहाँ तक आ गया। आप मशवरा दें, इसको बहुत झटका लगा है, बहुत ज्यादा इसको गम मिला है, तो आप सबने इसके लिए दुआ करनी। इसका काम हो गया इब्राहिम, मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रही हूँ तुम डस्टबिन उठा लो। ये देखें डस्टबिन भर गई है, और मैं देखें रख नहीं सकती हूँ, मैं इतनी मोहताज हो गई हूँ कि मैं कैसे बाहर जाऊँ, आप बताएं। गाइस गाइस आप देखें मैं कैसे बाहर जाऊँ, मैं इसको कह रही हूँ रख दे बेटा इब्राहिम। A few moments later. यहाँ पर जब गैप नजर आ रहा है मुझे, मेरे व्यूअर्स बताएंगे क्या बताना है बताओ। मैं बोल रहा हूँ उस दिन इतना गैप था, तो आज इतना। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि अहमद भाई को आज हुआ क्या है,
खैर मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा झटका था, लेकिन अल्लाह ने आज मुझे हिम्मत दी है। आप लोग कहेंगे तो ये स्टोरी टाइम हम आपको सुनाएंगे। सीधे खड़े हो? बिल्कुल स्ट्रेट खड़े। दूर हो गए खड़े थोड़े। माशाल्लाह हर टेस्ट क्लियर किया, लेकिन रह गया तो खैर अल्लाह की मर्जी। इतना ही फर्क है, हो ही है, हो ही नहीं सकता, इतना फर्क आ गया है ना भैया, इतना ही था भाई। टेंशन से भी क्या कद छोटा होता है गाइस, आप बताएं। अबे भाई इतना फर्क होता ना, उनको पता नहीं चलता। चलो इब्राहिम, अब वो अपने पापा से लगाए। इब्राहिम इब्राहिम डस्टबिन ये मैं खड़ा होता, ऐसे ही खड़ा होता। अब ये पापा की जान खाएगा, देखें आप। यही हाइट थी बोल रहे, छोटा हो गया पापा बताए। खुद बताए यार, इतनी हाइट नहीं थी। बेवकूफाना बात है, वो कद छोटा हो गया। कम हो गया टेंशन हो रहा है कम, सच्ची बताए वो 5-4 हो गया यार। अरे यार अब क्या होगा, अब मैंने इसको मशवरा दिया है तुम अफ्रीका जाओ। ये देखें बोल रहा हूँ ना, अब ये कम हो गया भाई। देखें पापा के कहाँ आ रहा है, अफ्रीका जाओ। इधर आओगे ना तुम, अफ्रीका जा रहे हो यार। ये तो जी गुड मॉर्निंग जी, हो गई थी हमारी मॉर्निंग। तो हमने गुड़िया का जो है, आज है मंडे, तो गुड़िया ने आज स्कूल जाना है। गुड़िया का हमने यूनिफॉर्म प्रेस कर लिया और अब हम चलते हैं गुड़िया के लिए एग बॉईल करने, क्योंकि हम इसको सुबह एग बॉईल करके देते हैं। अब हमने शहजादी के लिए एग बॉईल करना। तो बस भाई लंच गुड़िया का तैयार हो गया। हम आज गुड़िया को मैगी दे रहे हैं, वाटर बॉटल से पाक पाक के हमने भरने हैं, दिसंबर के थोड़े ठंडा कर रहे हैं, तो गर्म है। और एग मैंने गुड़िया को खिला दिया और मैं आपको बस नहीं बता सकी, क्योंकि जल्दी जल्दी गुड़िया को नहलाना, फिर गुड़िया के बाल को ड्राई करना, तो काफ़ी लेट हो गया था। देख सकते हैं आप मेरी प्यारी सी प्रिंसेस, मेरी शहजादी, मेरी जन्नत, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, अल्लाह इसके नसीब प्यारे करे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो ये गाइस आप सब ने आमीन कहना है। गुड़िया ने इतनी प्यारी दुआ दी, आपको समझ आया? दोबारा से गुड़िया क्या दुआ दी आपने? गुड़िया कह रही है मम्मा आपको 15 प्रो मैक्स मिलने वाले हैं, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। गुड़िया हमारी मेड एंड फेल ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल ये है, अल्लाह इसके नसीब भी इतने ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल करे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये रहा गुड़िया का बैग, गुड़िया को सॉक्स पहना दिए। अब जल्दी से जो है मम्मा रेडी होती हैं, क्यों नन्नी भी आली मेरी जान, क्योंकि मम्मा के बाद स्कूल में फीस पे करनी है और टीचर से मीटिंग भी करनी है। सारी बुक दे दीदी, ओ माय गॉड। चले भाई बने रहे, मिलते हैं आगे आपसे। तो बस जनाब ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा वीडियो में जो शोर आ रहा है तो वो मोबाइल में कुछ मसला हो गया है, तो वो मुझे सही करवाने जाना है पर टाइम नहीं मिल रहा। आप लोगों के कमेंट आते हैं कि मोबाइल सही करवाएं, आवाज़ इतनी शोर, ये वो सारा, मगर इतनी लाइफ बिजी चल रही है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा। लेकिन इंशाल्लाह मैं जाऊंगी बहुत जल्द, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। व्लॉग तो कब से बना वाला, आज एंड में उसका यहाँ कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो आपने देखी कि अहमद कद के लिए काफ़ी परेशान थे, तो आपने मशवरा देना है अहमद को कि अहमद का कद कैसे बढ़ेगा। और बस बच्चे हैं लाजिम है, मैट्रिक माशाल्लाह से बच्चों ने कर लिया है, अब वो जॉब की अप्लाई करते हैं बहुत सारी जगहों पर, तो हाइट का होता है इशू। इब्राहिम माशाल्लाह से हाइट में ज़्यादा है, अहमद का थोड़ा कम है। तो बस भाई दुआओं में याद रखना है मेरे बच्चों को, आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, पेरेंट्स के रिस्पेक्ट, उनका ख्याल, उनसे प्यार, उन्हें वक्त लाजमी दें, नमाज की पाबंदी रखें, दुआओं में मुझे मेरी पूरी फैमिली को याद रखें। और ख़ास दुआ आपने मेरे लिए ये करनी है कि बस मुझे दोबारा से अल्लाह पाक अपने घर की बादब बाजौक बाशौक हाजिर नसीब करें मेरे शौहर और बच्चों के साथ, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।